स्वागत, कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे भाई सुबह के 7, क्या ऑन हो गया, रुक गया, सुबह के 7। और हम आपको बता, आ गए नरवाल अपने जानी पे अपनी गाड़ी पे। अभी देखो यार, सुबह 7 बजे कितनी धूप होगी, मतलब आज काफ़ी गर्मी रहने वाली है। और आज 3 बजे तो अच्छे से सोया, 3 बजे का बैटरी डाउन होगी, गाड़ी का पंखा बिल्कुल स्लो हो गया, तो उसके बाद मच्छरों ने अच्छी सेवा की ना, क्योंकि यहाँ पे भाई नाली देखो, नाला और मतलब मच्छर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे यार। तो फिर उसके बाद बैटरी डाउन होगी, जैसे जैसे 2-3 घंटे निकाले फिर बैटरियाँ चेंज की अपने पास, आपको पता है एक अपनी स्पेयर बैटरी में रखी होती है, क्योंकि और ये बैटरी डाउन होती है तो इंसान किससे मांगे यार, किसके पास हाथ फैलाए। कई बार कोई देता है, कई बार कोई कैसा है भाई, कई बार अपनी अपनी पहचान की गाड़ी होती है, कई बार नहीं होती, इसलिए हमने बैटरी एक्स्ट्रा रखी है। जो एक्स्ट्रा वो बिल्कुल डेड हो चुकी है, तो उसको हमने बाहर ही रखा है। अभी 10 बजे खुलेगी मार्केट, उसको पहले भेजेंगे चार्ज के लिए। और साहिल भाई आए थे मुगल रोड से, पता नहीं अब कहाँ पहुँचे, अभी वो फ़ोन नहीं उठा रहे क्योंकि सुबह उठते ही नहीं है। फिर भी पूछता हूँ तो आज गाड़ी भरनी ही भरनी थी हमें कहीं ना कहीं की, वही आए कह रहे हैं, देखते हैं, मतलब प्लान तो लेकर चल रहा फिलहाल, तो देखो अभी करता हूँ फिर से फ़ोन को कहाँ पहुँचे, तो हम तो गाड़ी भरें यार, क्योंकि अब बड़ा मुश्किल हो गया, आपको पता काम अब खींच के ही करना है काम। 7 बज गए और बस अब कर दिया मैन स्विच ऑन, गाड़ी करते हैं स्टार्ट, वहाँ नीचे छाया में खड़ी करते हैं, क्योंकि राजेश के पापा हैं, उस गाड़ी में हमने सामान मंगवाया था, हम कल आ गए थे ना, अभी लेके अगर प्लानिंग चल रही है तो भाई कमल वगैरह चाहिए था, एक दो बर्तन घर रहा है, क्योंकि शादी में सामान निकल रहा था, तो हमने कहा ध्यान नहीं दिया, हम भी आके थोड़ा लापरवाह थे हम भी, और सारा सामान रखते हैं गाड़ी पे, क्योंकि बाहर जाना तो और ले ऐसी जगह में, वहाँ पे कोई होटल बड़े कम है, और कब कहाँ जाम लग जाए, कब कहाँ स्लाइड आ जाए, कब कहाँ रोड बंद हो जाए, तो भाई सारा अपना खाने पीने का सामान अपने पास होना ही चाहिए। कल टैंकी करवा दी, उस पर एक नई हमने लिखवा दी, पहले उस पर ये 1, 2, 3 और ये 4 बेल्टें थी, काले 5 मैंने लिखवाई, मतलब जब से गाड़ी आई है तो उसे यही चल रही थी, बट मैंने एक सेफ्टी के लिए और लगा ली, क्योंकि मैं फुल टैंकी हो समझो 50-55 हज़ार का तेल लग रहा है, गिर गया टैंकी तो भाई नुकसान, अब इसके अब कोई खतरा नहीं भाई टैंकी को। राजेश बड़ा स्माइल कर रहा है, ढूंढ रहे हैं यार तेरी लड़की, ढूंढ रहे हैं राजेश के रिश्ता हम। लिया गोरू का कुंडी बड़ा, टायर गीटे कर रहे हैं यार, गीटे निकालते हैं टायर से खुद ही, टायर हो गया साफ, पूरी गल है, दो गीटे इस टायर पे, आओ भाई गाइस चेक किए जाए, राजेश भैया ने टायर साफ किए, गौरव दो गीटे इधर, ये राजेश भैया रील बनाई भैया, एक इधर ऊपर भी है, ये लभा नहीं, मैं दसना ना इधर और नहीं है कोई, इस पे ओ 2-4 उस पे पार वाली साइड, वो देखो सर क्या इसमें आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? ये वही मरकार थल है, चलेगी गाइस बस भी, और हाँ हम अकेले इस ये मरकार, ये अल्लाह प्यार है मरकार, हम इसलिए उठा रहे हैं कल तक हमको नहीं पता, कल हमें किसी बंदे ने सियाने बंदे ने राय दी थी, इससे क्या होता है टायरों को हवा ज़्यादा लगती है और टायर गर्म नहीं होते, ये भी उठा दिए, पर यार ये ज़्यादा ऊपर नहीं लेना पे कोई यार, ये ओ उस साइड का ऊपर करना है, वो ऊपर साइड का कनेक्टर साइड ना, वो थल छोड़े हुए ना, बस करने सारे ऊपर करने, वो रह गया नीचे पता है मुझे। एक बहुत बड़ी टेंशन ये भी रहती है कि मतलब सुबह माल देखना किसके पास से भरना है, कोई ट्रांसपोर्टर कैसा है भाई, कोई पैसे नहीं दे, क्योंकि आधा किराया भी मिलेगा आधा किराया आके मिलेगा, कोई आके भाई ड्रामा करे किसको तुम क्या बोल सकते हो, हाँ पैसे तो मतलब ले लेगा पर एक टेंशन वाली बात रहेगी, तो बस वही है कि सुबह सुबह तुम 1-2 घंटे पहले सबको फ़ोन करो, उस ड्राइवर को करो कि वो ट्रांसपोर्टर सही है नहीं है, माल किराया क्या है, ख़राब है ले आ फुलके ना ब्रेकफास्ट कर लेने, रात की सब्जी बची थी यार, मेरा टाइम से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, पता चले लोडिंग का यार, फिर लोड करते गाड़ी पर, बस ये समझ नहीं आ रही, अगर नहीं मिलेगा फिर आज का दिन टूटा था, कल गाड़ियाँ बाहर ही भरेंगे, फिर हम ले नहीं जाएंगे, फिर हम महाराष्ट्र में चल जाएंगे यार। घर के वो क्या दिन थे यार, मतलब आज एक तो माल भी नहीं मिला कहीं का, अब यार माल मिल रहा है श्रीनगर का, साहिल भाई बोला नहीं ले जाना है, मैंने बोला भर रहे थे श्रीनगर ही, क्योंकि रेट अच्छा हो गया श्रीनगर, मैं ना गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं, कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे कानवे में फंसी हैं, कुछ आती फंसी हैं, तो अभी रेट मतलब काफ़ी तगड़ा, इस रेट में मैंने कभी कश्मीरी गाड़ी नहीं भरी थी, तो देखते हैं यार अभी बातचीत चल रही है, वो पहुँचा है शहर है, मैं भी कल 12 बजे आया था, तो वो 5 बजे तक पहुँचेगा साहिल भाई भी, गर्मी इतनी ज्यादा मैंने वाला गौरव को मजा लिया यार, अभी मैंने 400 कमाया जैसे जैसे करके बैठे बैठे बड़ी मुश्किल से, रो रो के पसीना आ गया उसको भी, देखो थक गया बंदा यार। पानी अभी भी दुकान पे पहचान हो गया ना, पानी की बोतलें हम रात को ले आए थे, राजेश भी ले आया था गौरव भी ले आया था, वही वापसी दे रहे हैं, तो बांध देते हैं वहां से ठंडी ले आते हैं, भाई मना नहीं करते दुकानदार, मेरा थोड़ा मजा लिया यार, कोई कोल्ड ड्रिंक पियो ना तो अजीब सा फील होता है, माल थोड़ा जूस ठीक है, और साहिल पता नहीं अभी तक कहाँ पहुँचा यार, साहिल भरा भी नहीं आ रहा यार, कभी तो खज्जल हो गया मैं यार गर्मी में, बाकी कोई नहीं आ रहा, एक दिन टूटता ही है गाड़ी में,
खज्जली हो रहे बाहर बैठ रहे सही था बियर 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 ले यान चिल्ड बियर बियर मना चले आया मुंडे गए चुकी है स्कूटर वाली। आज हमने ट्रक खड़ा किया बस स्टैंड में, सिर्फ बसें बसें और यार कोई काम नहीं हो पा रहा यार, गर्मी इतनी है और हमें जाना है हमको भी आके पास जिसे हमने सफारी ली थी भैया से उनके पास। मौसम देखो एक बार, वो कोई मिस्त्री काम नहीं कर रहा, सब बैठे हैं और कर भी नहीं सकते भाई, जान तो देनी नहीं है। देखो यहाँ पे बसों का मतलब समझो, आगे यहाँ पे बसें ठीक होती हैं, ट्रक होते हैं ना ट्रकों के अपनी यार, यहाँ बसों की बसें यहीं रुकती हैं, यहाँ पे ठीक है। देखो इसने टायर खोल रखे, उसका शीशा टूटा हुआ है, बस सबका कोई ना कोई काम हो ही रहा है। घूम फिर के भाई पहुँच गया बस जानी के पास, या आज लोडिंग का था मेरे पास जुगाड़, पर साहिल भाई का वेट करने के चक्कर में मैंने नहीं भरी आज। तो भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है, लोड तो मिला नहीं आज, तीन चार ट्रांसपोर्ट में घूम के, अब शाम का मौसम भी हो गया। यहाँ पे आए भैया के पास पानी पीने के लिए, उसका खाना ही बनाएंगे आज अपने वापस से, सब्जी कुछ रोटी ले लेंगे। जूस भी पी लिया। अभी ऐसा हुआ है ना, जैसे भाई के पापा की गाड़ी टायर चेंज कर रहा था, टायर चेंज करने में दिक्कत नहीं है, पर जो भी मच्छर थे ना वहाँ पे, जो मच्छर ने खाया ना इसकी बाजू में अभी भी निशान है। देखो कितने मच्छर खा गए इसको, देखो पूरी बाजू ही अलग सी हो गई है। अब सीधा गाड़ी पे जाएंगे, गौरव को भेजेंगे सब्जी लेने के लिए, गौरव सब्जी लेके आए तो मेरे बनाएंगे आराम से, और आज यहाँ पे नहीं सोएंगे, आज वो ब्रिज पे गाड़ी ले जाएंगे वहाँ जाकर सोएंगे। यहाँ से भाई ऑल इंडिया, देखो यूपी नंबर है, UP 63 HR RJ NL, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब बसें यहाँ से ऑल इंडिया पूरी जाती रहती हैं। तो देखो राजेश बैठा है भाई, स्माइल देख रहे हो, पहले उसको मच्छर खा रहे थे, इसको मच्छर भी नहीं खा रहे वहाँ बैठे बैठे। आजकल आज गाड़ियाँ गई, गौरव शायद गया बैटरी लेने के लिए, गाड़ी लॉक नहीं करके गया, एक साइड से खुली थी क्योंकि एक बैटरी थी मैं चार्ज करने के लिए भाई। रात को एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से ना हमारी बैटरियाँ डाउन थी, तो फ़ोन पूरे डेड हो गए, इसलिए भाई इस ब्लॉग कर रहे हैं सुबह। एंड भाई नेक्स्ट ब्लॉग अभी लोडिंग के लिए जा रहे हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिलेगा कहाँ के लोड कर रहे हैं और क्या लोड कर रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय।